हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते थे। सबको पता है शब्बे मिराज थी तो जी उसका ख़त्म दिलवाया था, तो और मैंने व्लॉग भी शूट किया था, सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमने जो है ना वो खीर बना के सब में बांटी थी, तो यहाँ पर हमने ये खीर बनाई थी। और उसके बाद बहुत ही मज़े की हमने घर में हलवा पूरी बनाई थी। यहाँ पे जो है वो पूरियों का जो आटा था वो हमने रात को ही जो गूंद के है वो रख लिया था, और सुबह उठ के उसकी जो पूरियाँ हैं वो बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप हलवा पूरी बनाते हो तो ऐसे ये वाला जो है कहना है किस्म का हैक समझ लें इसको, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। इससे आपकी जो पूरियाँ हैं ना वो बहुत ही मज़े की बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी और खाने में भी बहुत मज़े की लगेंगी। प्रॉपर रेसिपी तो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो उसकी रेसिपी भी आपको मैं दे दूँगी। लेकिन इस तरह से जो पूरियाँ बनाई थी वो बहुत ही मज़े की थी। यहाँ पे देखें, कुछ पूरियाँ हमने फ्राई करके भी रख ली थी और कुछ अभी फ्राई हो रही थी। यहाँ पे पूरियों के साथ साथ हमने हलवा भी बनाया था घर में खुद ही, और चने भी खुद बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। और जो खीर थी वो हमने एक दिन पहले ही रात को बना के रख ली थी ताकि ठंडी हो जाए और सुबह हम इजीली बांट सके। ठंडी खीर सारे खाएँगे तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पे पूरियाँ भी बन गई थी और सारा कुछ जो था वो रेडी हो गया था, हलवे चना और जो इसका अचार होता है वो भी घर में खुद बनाया था, और ये खीर है ये इतने मज़े का लग रहा था ना। तो भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय करके मैंने खाया। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।